जिज्ञासु भाइयों और बहनों, इंसान को कमजोर करने वाले इस दुनिया में सिर्फ दो ही तत्व है। इंसान को कमजोर करने वाले इस दुनिया में सिर्फ दो ही तत्व है, एक है उसका अहम और दूसरा है उसका वहम। अहम और वहम, ये दो तत्व ऐसे हैं कि इंसान को कमज़ोर बना देते हैं, इंसानों के बीच रहे हुए रिश्तों को कमज़ोर कर देते हैं। और कल ही मैंने बात कही थी, नवेचे नौ दिवस। चंदना घर पर आई थी तब जो वात्सल्य था, लेकिन धीरे धीरे उस वात्सल्य में कमी आ चुकी है। उस माता और पुत्र के बीच का जो संबंध था, उस संबंध में कमजोरी आ चुकी है, मात्र एक वहम के कारण। एक वहम ने इतने सालों से जो खुशियां दी थी, उस खुशियों पर पर्दा डाल दिया है। मुला सेठानी सोच रही है कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं चंदना से अपना बदला निकालूं। होता है बंधुओं, जब व्यक्ति किसी के सामने कमजोर होता है ना, तब अपनी वह दादागिरी नहीं बताता, लेकिन उस पर अधिकार जमाने वाला व्यक्ति जब उससे दूर हो जाता है, तब अधिकार जमाना वह प्रारंभ कर देता है। जब तक सेठ घर में है, तब तक मैं चंदना का बाल भी बाका नहीं कर सकती हूँ, परंतु मुझे चंदना के साथ बदला लेना ही है। यह आग, यह द्वेष की आग प्रतिदिन बढ़ रही है। और हुआ एक बार ऐसे कि सेठ को कहीं पर बाहर जाने का काम हुआ। सेठ बाहर निकल चुके हैं, चंदना ने पिता के बाहर जाने की पूरी तैयारी कर दी है, साथ में भाता भी दिया है। और बंधु, कोई व्यक्ति बाहर जाता है तब आप क्या करते हो? गेट तक छोड़ने के लिए उसे जाते हो। चंदना ने भी सोचा, अरे चार चार दिन तक अभी मेरे पिता मुझे नहीं मिलेंगे, अब चार दिनों के बाद ही मेरे पिता तीन चार दिनों के बाद ही मेरे पिता मुझसे मिलेंगे। और वह अपने पिता को छोड़ने के लिए घर के चौखट तक गई है, घर के दरवाजे तक गई है। पिता घर के दरवाजे तक गई है। पिता ने पुनः वात्सल्य भरा हाथ चंदना के सिर पर से घुमाया है, चंदना अपना ध्यान रखना। क्या वाक्य कहा है निकलते वक्त, चंदना अपना ध्यान रखना, अब मैं तीन चार दिनों के बाद आऊंगा, अपना ख्याल रखना। यह कहकर के पिता लौट चुके हैं और चंदना अपने जाते हुए पिता को निहार रही है। जब तक पिता की अंतिम छवि न दिखे, तब तक चंदना की नजरें पिता को देख रही है। पिता में खो चुकी है, अब मेरे पिता तीन चार दिनों के बाद ही मुझे देखने को मिलेंगे। चंदना इस भाव में है और पीछे से न जाने क्यों जोर से चोटी खींचने का अनुभव हुआ है। पिता की छवि अभी ओझल हुई है कि यहां से मुझे कौन खींच रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो बंधुओं और कोई नहीं, मुला सेठानी थे। अपने पति को जाते हुए चंदना देखे, यह दृश्य भी उस मुला सेठानी को सहन नहीं हो रहा था। मुला सेठानी ने उसकी चोटी खींची है और खींचते हुए घर में लाया है। जहां पर गुस्सा होता है, व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल होता है, लेकिन जहां पर द्वेष होता है, वहां पर व्यक्ति वहां पर व्यक्ति
आग में, द्वेष के आग में उलझ जाता है। और हुआ ऐसे, मुला सेठानी के भीतर सिर्फ गुस्सा ही नहीं था, द्वेष के आग थी। गुस्से की चिंगारी शांत हो सकती है, लेकिन द्वेष की ज्वाला मुखी अगर फूट जाए तब वह आक्रमण किए बिना रहती नहीं है। चंदना को अनेक शब्दों का प्रयोग चल रहा है, बाल खींच रही है, चपटे मार रही है और चंदना के साथ व्यवहार करते हुए संबोधन कह रही है, अरे कुलटा, तूने मेरे इस घर में प्रवेश किया ही क्यों? माँ को आज क्या हो गया है? इतने दिन तक सिर्फ शरीर से व्यवहार खराब था, आज माँ के शब्द भी खराब हो चुके हैं। बंधुओं याद रखना, व्यक्ति हाथ का मार एकाध बार भूल सकता है, व्यक्ति हाथ का मार एकाध बार भूल सकता है, लेकिन जब शब्दों का मार होता है तब वह भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। बाहर का कोई व्यक्ति अगर शब्दों की मार भी कर देना तब वह व्यक्ति एकाध बार उसे भूलने का प्रयास करके भूल भी जाता है, लेकिन अपनों से ही जब शब्दों की मार होती है बंधुओं, उसे अकेले में सहन कर पाना असंभव सा हो जाता है। तो कुलटा है, नीच है, दुराचारिणी है, तूने मेरे पति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। माँ, तुम पिता और पुत्री के संबंधों को किस नजरिए से देख रही हो? मुझे सब कुछ पता है चंदना, तू कुलटा है, बार बार वो ही शब्दों का प्रहार है। बंधुओं, पानी का प्रवाह आता है ना तो सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है, लेकिन जब वाणी का दुष्प्रभाव होता है तो सर्वनाश हो जाता है। बार बार चंदना के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग हो रहा है और बार बार उन्हीं बालों को खींचा जा रहा है, बालों को खींचा जा रहा है। और वहां पर मुला सेठानी को याद आ गई, अरे चंदना, अरे कुलटा, इसी केश राशि के कारण मेरा पति तेरे ओर आकर्षित हुआ था, इन्हीं केसों के सौंदर्य के कारण मेरा पति तुझे चाहने लगा था, उसकी जड़ ही मैं अभी मिटा देती हूँ और कैंची लाई है और कैंची से बालों की राशि एक एक करके जमीन पर गिर रही है। बंधुओं, क्या दृश्य होगा? बचपन में जिस माँ ने मेरे पुत्री का सौंदर्य बढ़े, इसलिए उन केश राशि को न जाने कितने पदार्थों से सजाया होगा, आज उस माँ के ममता के अनुपस्थिति में वह केश राशि जमीन पर गिर रही है। पिता कहीं कीचड़ न लग जाए इसलिए उन केश राशि को ऊंचा उठा करके रख रहे थे, पर चंदना मन में कह रही है, पिता, आज कुलटा का कीचड़ लग करके मेरी केश राशि जमीन पर गिर रही है। पूरी तरह से चंदना का मुंडन कर दिया है, अब तेरे पास चंदना सौंदर्य बचा ही नहीं है, मेरे सुहाग को अब तू कैसे अपनी ओर आकर्षित करेगी? इस माहौल में रहकर के भी, इस व्यवहार में रहकर के भी चंदना शांति से जवाब दे रही है, माँ, मेरे सौंदर्य को छीन कर के भी अगर तुम्हें शांति मिल रही है, मेरे सौंदर्य को छीन कर अगर तुम्हें सुख की अनुभूति हो रही है, तो माँ, इससे बढ़कर के मेरा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और होता ऐसा है बंधुओं, जब आप किसी के साथ झगड़ा करो, आप झगड़ रहे हो, लेकिन सामने वाला अगर आपके साथ झगड़े के टोन में बात नहीं करता है ना, तो झगड़ा वापस दुगुना कर देते हो। चंदना से मुला सेठानी को ऐसे कोई भी उत्तर की अपेक्षा नहीं थी और मुला सेठानी का गुस्सा और तीव्र हो चुका है, वापस चंदना को घसीटा है, घसीट करके ऊपर के मंजिल में
जहाँ पर काल कोठड़ी थी वहाँ पर हाथ और पैर दोनों बांध करके घसीटते हुए वहाँ पर लेके गई है। एक समय ऐसा था जब चंदना ने उस हवेली में एंट्री की थी और जब सेठ उस काल कोठड़ी को बता रहे थे तब मुला सेठानी ने कहा था कि इस काल कोठड़ी का परिचय क्यों करा रहे हो चंदना से। आज उसी काल कोठड़ी में चंदना को मुला सेठानी ने बंद कर दिया है। उस काल कोठड़ी के अंदर चंदना अकेली है और बंधो इंसान जब अकेला होता है ना तब वह कभी भी अकेला नहीं होता। उसके साथ उसकी भूतकाल की स्मृतियां होती हैं, वर्तमान काल का जीवन होता है और भविष्य के लिए आशंकाएं होती है। उस काल कोठड़ी में रह करके चंदना सोच रही है कैसा मेरा जीवन है, कैसे मेरे जीवन में मोड़ आ रहे हैं। एक समय था कि मैं राजमहल की खुली हवा में अपना जीवन बिता रही थी, फिर मुझे सैनिक के घर में आना पड़ा, फिर मुझे एक बाजार में बेचा गया और अभी इस काल कोठड़ी में मैं बंद हो चुकी हूँ। क्या मेरी माँ होती तो वो इस दृश्य को देख सकती? क्या मेरे पिता ने कभी सोचा होगा जिस काल कोठड़ी में मैं कैदियों को बंद करता हूँ उसी काल कोठड़ी में मेरी यह बच्ची, मेरी यह बालिका बंद हो जाएगी? क्या है मेरा भविष्य? मेरा भूतकाल तो ऐसा था, मेरा वर्तमान काल कोठड़ी में है, मेरा भविष्य क्या होगा? काल कोठड़ी में बीते बीते बंधुओं 3 दिन हो चुके हैं। भूख सता रही है, प्यास सता रही है, ना तो अनाज का एक कण देने वाला कोई है, ना तो पानी की बूंद देने वाला कोई है। ऐसे ही काल कोठड़ी में वह राजकुमारी चंदना पड़ी हुई है। तभी बंधुओं बाहर से एक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कौन आया है? घर में अकेली है और भय लग रहा है, अब कौन आया है? आवाज आ रही है, चंदना दरवाजा खोलो। बंधुओं एक आवाज होती है सागर के खारेपन की, एक आवाज होती है नदी के मीठे जल की, एक आवाज होती है हंसाने वाली और एक आवाज होती है रुलाने वाली। चंदना को जो आवाज आई है, बेटा चंदना दरवाजा खोलो, बंधुओं उस आवाज को सुनकर के चंदना के भीतर में नदी के मीठे जल के समान अनुभूति हो चुकी है। मेरे पिता लौट आए हैं। चंदना उठने का ट्राई कर रही है पर गिर रही है, लेकिन मुझे मेरे पिता से मिलना है। बार बार उठने की कोशिश करते करते दरवाजे तक पहुंची है और दरवाजा खोला है। सामने पिता की प्रतिमा है। पिताजी आप आ गए? पिता चंदना की यह हालत देखकर के पूरी तरह स्तब्ध हो चुके हैं। चंदना तुम्हारी यह हालत किसने की? तुम काल कोठड़ी में क्यों बंद हो? तुम्हारे हाथों में लोहे की जंजीरें क्यों है? लोहे की बेड़िया क्यों है? पिता के इन प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय चंदना भी पूरी मौन है। पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चंदना को धीरे धीरे लिया है, नीचे उतारा है। घर में एक सिर्फ माँ जी थे। माँ जी को पूछा गया तब माँ जी ने कहा, सेठ जी क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन सेठानी ने चंदना को काल कोठड़ी में बंद कर दिया था, सब नौकरों को छुट्टी दे दी थी और सेठानी अपने पियर चली गई है। सेठ सोच रहे कि चंदना ने ऐसा क्या किया कि जहाँ पर गुनहगारों को रखा जाता है वहाँ पर चंदना को रखा गया, परंतु अपने बेटी को जब बंधनों में बंधा हुआ देखा है तब सबसे पहले चंदना मैं तेरे इन बंधनों को तोड़ूंगा, और वह कहकर के लोहार को बुलाने के लिए जा रहे थे और वो चले गए हैं।
इधर हुआ ऐसे कि जो घर में बूढ़ी माँ जी थी, उस माँ जी ने उड़द बाकुले जो होते हैं वो उबाल करके रखे हुए थे, और वह बाकुले से जाते जाते चंदना के हाथ में सौंप करके गए हैं। चंदना उन बाकुले को लेकर के अपने घर के दहलीज पर बैठी है। एक पैर दहलीज के अंदर है और दूसरा पैर दहलीज के बाहर रखा है। एक टाइम मेरे हाथ मेरे आँखों के सामने 5 पकवान होते थे, आज मेरे पास मेरे हाथों में सिर्फ उड़द और बाकुले हैं, वो भी उबाले हुए। खाने की इच्छा हो रही है, फिर भी चंदना खा नहीं पा रही है क्योंकि दोनों हाथ बेड़ियों में बंधे हुए हैं। और चंदना को संस्कार थे, पहले दो बाद में खाओ, पहले देना है बाद में खाना है। सज्जन व्यक्ति सोचता है, अगर मैं ही सब ले लूँगा तो दूंगा क्या, और दुर्जन व्यक्ति सोचता है, सब दे दूंगा तो मेरे लिए बचेगा क्या। सज्जनता की सूची में थी वह चंदन वाला, वहां पर अपनी पीड़ा का अनुभव कर रही है, परंतु उस पीड़ा के बीच में भी आज प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। कुछ तो स्पंदन फील हो रहे हैं, हवाएं जो आ रही है उन हवाओं में भी आज प्रसन्नता है, चारों ओर सुखंद आ रही है, किसी के आने की आहट आ रही है। मेरे चेहरे पर खुशी क्यों आ रही है, मेरे अंगों में स्फूर्णा क्यों हो रही है, मेरी आंखें मेरी नजरें आज किसी को क्यों ढूंढ रही है। और बंधुओं, वह नजरों के सामने नजरें किसी को ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति के पास चंदना की नजरें स्थिर हो चुकी थी। चंदना की वह नजरें किसी और के ऊपर नहीं टिकी, किसी और के ऊपर स्थिर नहीं हुई है। उस हवा के झोंके के साथ उस सुगंध को लेकर और कोई नहीं, परमात्मा प्रभु वीर पधारे हैं। प्रभु वीर के देह के ऊपर चंदना की नजरें स्थिर हो चुकी है। चंदना, तेरे पीड़ा का अंत करने वाले परमात्मा अब तेरे पास आ रहे हैं। धीरे धीरे कदमों से परमात्मा प्रभु वीर चंदना के पास आ चुके हैं। 5 महीने और 25 दिन से जिस प्रभु ने आहार ग्रहण नहीं किया था, वे प्रभु चंदना के द्वार पर आए हैं। 5 महीने 25 दिन से सारे भक्तजन प्रभु के पारने की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु वे प्रभु पारना नहीं कर रहे थे, मौन थे। आज पारने के लिए प्रभु चंदना के पास पहुंचे हैं, परंतु बंधुओ, जैसे ही प्रभु को दिखा, ओहो, प्रभु मेरे पास पहुंचे हैं। इतने दिनों तक पिता के माँ के बिछो की जो वेदना थी, जो पीड़ा थी, चंदना पूरी भूल चुकी है, क्योंकि आज आंगन में प्रभु खड़े हैं। प्रभु को देने के लिए जैसे ही हाथ आगे किया है, और प्रभु ने अपने हाथ पीछे ले लिए हैं। बंधुओं, क्या दृश्य होगा वो, क्या दृश्य होगा वो। प्रभु का हाथ आगे है, चंदना का हाथ देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं और लौट चले हैं। मेरे प्रभु घर पर पधारे, मेरे प्रभु मेरे पास पधारे, फिर भी मेरे में क्या कमी रही कि मेरे प्रभु लौट चले हैं। बंधुओं, प्रभु कभी स्नेह को नहीं देखते, प्रभु अपने संकल्प को देखते हैं। प्रभु ने अभिग्रह लिया हुआ था, 13 प्रभु ने अभिग्रह लिए थे। चंदना के पास से 12 अभिग्रह पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन चंदना अभी भी तो अधूरी है, अभी भी तो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आंखों में आंसू नहीं है, आंखों में आंसू नहीं है। परमात्मा लौट चुके हैं, प्रभु तुम मुझे कौन से जन्म का दुख दे रहे हो, वेदना दे रहे हो, पिता की मेरे सामने हत्या की गई,
तब भी इतनी वेदना मुझे नहीं हुई। माता ने मेरे सामने आत्महत्या की, तब भी मेरे भीतर इतनी पीड़ा नहीं हुई। मुझे बीच भर बाजार में बेचा गया, प्रभु तब भी मुझे इतनी वेदना नहीं हुई। प्रभु उससे भी अनंत गुना वेदना हो रही है। मेरे नजरों के सामने आकर भी मेरे नजरों से आप दूर हो रहे हो। प्रभु लौट आइए, प्रभु लौट आइए, इस भक्त को और ना तरासिए। और बंधुओं, जहाँ पर दिल भीग जाता है वहाँ पर आंखें भीगे बिना रहती नहीं है, और जब आंखें भीग जाती है तब मुंह से निकलने वाले शब्द भीगे बिना रहते नहीं है, और जब भक्त के शब्द भीग जाते हैं तो भगवान के कान भी भीगे बिना रहते नहीं है। परमात्मा पुनः लौट आए हैं। चंदना ने नहीं शब्दों से प्रभु को बुलाया है, नहीं गीत गा करके प्रभु को बुलाया है। चंदना ने सिर्फ और सिर्फ आंखों से आंसू बहाए हैं, और प्रभु पुनः लौट आए हैं। चंदना तो अपूर्ण हो चुकी है, तेरे आंखों में आंसू आ चुके हैं, और प्रभु चंदना के पास पहुंच चुके हैं। हजार आज दिन तक हजारों हाथ प्रभु के पास याचना करने के लिए आते थे, लेकिन आज प्रभु के हाथ चंदना के पास याचना करने के लिए आए हैं। बंधुओं, उस नजारे को हम लोग भले आज न देख पाए, लेकिन उस नजारे के अनुमोदना आज हमें करनी है। केवल ज्ञान केवल दर्शन के धनी इस धरा के अंतिम तीर्थंकर और उनका करपात्र चंदना के सामने है, और चंदना अपने हाथों से प्रभु को उबाले हुए उड़द के बाकुले बेरा रही है। क्या सीन होगा वो, जिस प्रभु के पारने के लिए देवता गण भी तरस रहे थे, वह मौका चंदना को मिल रहा है। चंदना धीरे धीरे प्रभु के कर पात्रों में उड़द के बाकुले बहरा रही है, और वहाँ पर देवतागण पुष्पों की रुष्टि कर रहे हैं। सारा जनपद चंदना का जय जय कर रहा है। ओहो दानम महादानम की घोषणा लग रही है, और प्रभु का 5 महीने 25 दिन का पारणा वहाँ पर होता है। और उसके बाद बंधुओं, वह चंदना कुछ समय तक इस संसार अवस्था में रहकर वापस पुनः प्रभु के समोसरण में पहुँचती है, और प्रभु के समोसरण में सर्वप्रथम साध्वी का पद अगर भगवान के समोसरण में किसने पाया है तो वह आर्य चंदना थी। 36,000 साध्वियों की नायिका वह आर्य चंदना बनती है। इस प्रकार साध्वी पर्याय में, साध्वी इतिहास में शायद यह पहला ऐसा प्रसंग होगा कि जिन्होंने प्रभु को पालना कराया है, प्रभु को दान देकर के अपनी भव परंपरा सीमित की है। बोलिए, ऐसे 36,000 साध्वियों की नायिका आर्य चंदन बाला की। इस तरह बंधुओं, पीड़ा से प्रसन्नता तक पहुंचने की इस चंदन बाला की यात्रा का हम सब लोगों ने अनुमोदन किया है। वह क्षण भी हमारे जीवन के भीतर आए, हमें भी एक बार परमात्मा प्रभु वीर को, परमात्मा प्रभु केवल ज्ञानियों को आहार दान कराने का सौभाग्य हो, और वही आहार दान भविष्य में हमारे आहार संज्ञा की समाप्ति कराए। इन्हीं शुभ मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।